गाइज वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो का जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, 15 दिन के अंदर कैसे करें अपनी आंखों का चश्मे का नंबर ठीक, साथ ही 15 दिन के अंदर कैसे आप अपने चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं। आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर ये मजाक नहीं है। ऐसी टिप्स हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं, पर आपको वो अच्छे से करनी होगी। अगर आप भी अपने लिए सिंसियर हैं, आप अपने लिए सुबह वर्कआउट के लिए टाइम निकाल सकते हैं, दिन में ये कुछ चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, तो हाँ, आपका चश्मे का नंबर भी होगा कम। 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। मैं आपको आज बताऊँगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके चश्मे का नंबर ठीक हो जाए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिले। अगर आप किसी भी मेडिकल में या फिर किसी आर्मी के मेडिकल में और किसी मेडिकल में आप रह रहे हैं, अगर आपका विज़न 6-9 है, 6-12 है, तो कैसे अपने विज़न को इम्प्रूव करें और बिना चश्मे के नंबर के आप अपना मेडिकल क्लियर करें। तो आज की वीडियो में हम बात इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ चश्मे की एक्सरसाइज के बारे में, अपनी आँखों की मसल्स की एक्सरसाइज जो आपको करनी ही करनी है। मेरी पुरानी वीडियो में ही मैंने बहुत वीडियो में बताया है, आपको पहली एक्सरसाइज पेन वाली करनी है। पेन से आपकी आँखों को आपको एकोमोडेट करना है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। पेन को आपको दूर से पास लेके आना है, फिर दूर लेके जाना है, फिर पास लेके आना है, ये है आपकी एकोमोडेशन एक्सरसाइज। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। और साथ आपको साइड वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको पेन लेना है, अपनी आँखों की आईबॉल को पूरा रोटेट करना है। ऐसे करके ये दो एक्सरसाइज आपको 5-5 या 10-10 मिनट करनी है। साथ ही एक और एक्सरसाइज आई है, जैसे कि आपको अपनी आँखों को पूरा राइट लेके जाना है, फिर पूरा लेफ्ट लेके जाना है, फिर पूरा राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे 10 बार करना है। फिर सेम चीज़ आपको अपनी आँखों को ऊपर लेके जाना है, पूरा नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, उसके साथ आपको ऊपर और राइट, फिर ऊपर और लेफ्ट, फिर डाउन एंड लेफ्ट, डाउन एंड राइट, ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। इससे आपकी मसल्स सारी अच्छी होंगी, मसल्स में ताकत आएगी, जिससे आपके चश्मे का नंबर आजकल बढ़ रहा है वो चीज़ नहीं होगी। साथ ही आजकल सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ वो क्या हो रहा है कि बच्चों का विज़न पहले पूरा ठीक होता है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है, सब लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखें पहले बिल्कुल ठीक थी, पर अब उनकी आँखों में चश्मे का नंबर आ गया है, विज़न उनका डाउन हो गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अच्छी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इन सब चीज़ों से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑप्शन और कोई नहीं बचा। पर उन लोगों को 10 या 20 मिनट बाद अपनी आंखों को रेस्ट देना है। 5 मिनट का रेस्ट उनको ज़रूर देना है। और रेस्ट में उनको क्या करना है, रेस्ट में उनको ये नहीं करना कि लैपटॉप पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद 5 मिनट के रेस्ट में आप फ़ोन अपना चला रहे हो, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, आपके चश्मे का नंबर पक्का बढ़ेगा। आपको क्या करना है, 10-20 मिनट पढ़ाई करने के बाद बालकनी में जाना है, बालकनी में जाके खड़े होना है और अपनी आँखों को 20 मीटर से दूर देखना है, अपनी मसल्स को 20 मीटर से दूर देख के उन मसल्स को रिलैक्स करना है, जो मसल्स फ़ोन और कंप्यूटर पर काम करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको दूर देखते रहना है, एक 20 मीटर दूर ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है ध्यान से, उसके बाद अपनी आँखों को 20 टाइम्स ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने का क्या बेनिफिट होगा कि आपका फोकस बार बार दूसरे दूर वाले ऑब्जेक्ट पर बनेगा और आपकी मसल रिलैक्स होंगी। साथ ही आपको खुद को सुबह उठ के वॉक पे ज़रूर जाना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, खुद को अपना बाहर, जो हम आउटडोर्स आजकल हमारा बिल्कुल बंद हो गया, वो आपको कंटिन्यू रखना है। सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, साथ ही खाली एक्सरसाइज और इससे सब कुछ नहीं होगा। आप लोगों को फ़ोन कम चलाना है, याद रखना है काम के लिए ही फ़ोन यूज़ करना है, उसके साथ आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अब मसल कमज़ोर हो गई है, मसल्स कमज़ोर और नॉर्मल करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मसल्स में ताकत भी तो चाहिए, ताकत से ही वो मसल्स फिर से ठीक होंगी और फिर से रिपेयर होंगी अगर उनमें कोई दिक्कत हुई है। तो आपको अपनी डाइट इतनी अच्छी रखनी है, आपको फास्ट फूड छोड़ने हैं, ये जंक फूड जितना सब लोग खाने लगे हैं ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। आप लोगों को हेल्थी डाइट रखनी है अपनी। हेल्थी डाइट में जैसे आप एप्पल खाओ, आप आंवला खाओ, आप उसके साथ ग्रीन
वेजिटेबल्स खानी है आपको, फ्रूट्स खाने हैं, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर रखनी है। सुबह एक एप्पल ज़रूर खाना है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे आपकी आंखों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही आपकी आंखों में जल्दी कोई एलर्जी नहीं होगी। साथ ही आपको आंवला ज़रूर खाना है और हरी सब्जियां ज़रूर खानी है, जिनसे आपकी आंखों की मसल्स में बहुत ताकत मिलेगी, आपकी आंखों में विटामिन ए मिलेगा, ई मिलेगा, जो आपको पता होगा शायद कि जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही विटामिन ए का एक ट्यूब भी आता है, अगर आपको मेडिकेटेड आपको अपनी आंखों को ठीक करनी है तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं अपनी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा मेडिकेटेड वाला। साथ पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों का ट्रीटमेंट जो नेचुरल ट्रीटमेंट से अगर आप लोग ठीक होते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि आपकी आंखों की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहे। हमारा मेन टारगेट यही है, मेन एम यही है कि आप लोगों की आंखों की हेल्थ के साथ कोई दिक्कत ना हो, आप लोग सारे मेडिकल क्लियर करो और आप अच्छी जॉब मिले, आप अच्छा सक्सेस करें। तो ये इन चीज़ों से आपके चश्मे का नंबर ठीक होगा। चश्मे का नंबर चेक कहाँ से कराना है? आपको चेक प्रॉपर कराना है प्रॉपर ऑप्टोमेटिस्ट, जो अच्छी वेल क्वालिफाइड होते हैं, या फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास। आपको लोकल जगह से चश्मे का नंबर नहीं लेना, जिससे क्या होगा, वो लोग ओवर करेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके चश्मे का नंबर तेज़ी से बढ़ता है। आपको प्रॉपर नंबर पावर चेक करानी है, तब जाके अपने चश्मे का नंबर लेना है। एक्सरसाइज करनी है, हेल्थी डाइट रखनी है, अच्छा करना है। बाकी और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के रिप्लाई मैं उतना नहीं दे पाता, मुझे पता है, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। तो आप अगर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।